तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहां हम बात करेंगे इस वीडियो में कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए अभी जो अक्टूबर का ये महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। यहां आप अपना ये लगन चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और ये कुछ इसी प्रकार से ग्रहों की प्लेसमेंट आपको दिखेगी जब भी आप अक्टूबर का गोचर देखेंगे अपनी लगन कुंडली के हिसाब से। तो यहां हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर बात करें तो सूर्य को सबसे पहले हम देखते हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर तुला में होगा। बुध की जहां तक बात है, बुध 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे और इसके बाद ये भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 14 अक्टूबर तक तुला में होगा और उसके बाद ये वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे और इसके बाद इनका प्रवेश कर्क में होगा। बृहस्पति 9 अक्टूबर से वृषभ में वक्री होने जा रहे हैं, तो इस मंथ में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और वृषभ में ही ये वक्री हो रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री चल रहे हैं इस टाइम पे, और चंद्रमा 1 अक्टूबर को हमें कन्या राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहाँ राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनके गोचर में कोई भी हमें अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से जो बदलाव हैं इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं, अपनी लाइफ को इस मंथ में कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले हम लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके चंद्रमा है, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे जहाँ वो केतु के साथ स्थित रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सडनली इस मंथ के स्टार्टिंग में ही कोई ऐसी यात्रा करने को मिल सकती है जिसका कोई विशेष फायदा ना हो, जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है, या आपकी कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या जो बहुत पहले से आपको चली आ रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो घरेलू समस्या हो, किसी भी प्रकार की वो हो सकती है, बट आपकी इंडिविजुअल समस्या भी वो हो सकती है। उसके लिए आपको भ्रमण करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मामले में आप थोड़ा सा प्लान करके चल सकते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में कोई ऐसी समस्या जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और बाद में भी मान लो आपकी समस्या हल नहीं हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थिति है चंद्रमा की, ये चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल समय को दिखा रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स को दिखा रही है, बहुत ज़्यादा मेंटली थकान को दिखा रही है और कंफ्यूजिंग स्थिति को दिखा रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ चंद्रमा की दृष्टि जो कि राहु पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी यहाँ चंद्रमा पर पड़ रही है, इसलिए मानसिक रूप से परेशानी इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको जरूर रहेगी, शुरुआती एक दो दिन में। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके फोर्थ हाउस में जहाँ वो तुला में स्थित होंगे। तुला का सूर्य आपके लिए ज़्यादातर मामलों में अच्छा रहेगा, जहाँ पर आप अपने घरेलू जीवन और घरेलू जीवन की सुख शांति पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, वहीं अपने कैरियर पर भी आप अच्छा ध्यान दे सकेंगे और आप थोड़ा सुकून भी हासिल कर सकेंगे इस स्थिति की वजह से। फिर चंद्रमा आपके फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे जहां संतान के साथ या अपने लव रिलेशंस को लेके आप थोड़े ज्यादा चिंतित रहेंगे, संतान से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट इस समय आपको देखने को मिल सकती है। चंद्रमा यहां पर क्योंकि नीच की स्थिति में होंगे, इसलिए डिसीजन लेते समय थोड़ी सावधानी बरतें, अपने इमोशंस पर आपको भी कंट्रोल काफी ज्यादा रखना पड़ सकता है इस समय में, क्योंकि वैसे भी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और फिलहाल जो मंगल की स्थिति है वो भी इस मंथ में फिर आपके लगन में रहेगी, तो यहाँ पर आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और ऐसे में जब चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो आपसे कोई गलत फैसला ना हो, इमोशनली कोई ऐसा गलत काम आप ना कर दें, कोई स्पेकुलेटिव काम ना कर दें जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है आपके वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा आएंगे, इस वजह से संतान को लेके, लव लाइफ को लेके, अर्निंग्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंता आपको रह सकती है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पर जब दृष्टि पड़ रहेगी, यहाँ भी गुरु क्योंकि वक्री स्थिति में रहेंगे इस मंथ में, तो आपको बस प्लानिंग करना है, आपको कुछ भी ऐसा नया काम नहीं करना जहाँ पर आप कुछ ना कुछ हासिल करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो है एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि ये देखिए फायरी साइन है, फायरी साइन में चंद्रमा होंगे तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस दिखाते हैं ऐसे चंद्रमा, ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कोई भी प्रकार का काम कर रहे हैं लेकिन किसी से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, इवन खुद से भी। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके सिक्स्थ हाउस में जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन को ठीक कर सकेंगे, अपने डेली लाइफ में कोई इशू आ रहा है उसको ठीक कर सकेंगे और कुछ अपने खर्चों को भी आप मैनेज कर सकेंगे इस समय। तो ये स्थिति लगभग आपको 7-8 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य जहां शुरुआत में आपके कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यहां पर सूर्य की स्थिति लगभग 17 अक्टूबर तक रहेगी और 17 अक्टूबर तक यहां सूर्य जो है केतु के साथ रहेंगे। केतु के साथ स्थित होते हुए
आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने घर परिवार से संबंधित कार्यों के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए और अपना जो भी कोई इंडिविजुअल काम है वो उसके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सूर्य होगा वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करवा सकता है, क्योंकि केतु साथ होने की वजह से आप थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति में भी रह सकते हैं। ऐसे में जो भी लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कोई बहुत बड़े पद पे काम कर रहे हैं उनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ सकती है। सूर्य की दृष्टि यहाँ आपके 9th हाउस पर रहेगी। 9th हाउस पर रहेगी तो फैमिली के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा होने के चांसेस हैं, या फैमिली के साथ आप मिलकर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि पूरी फैमिली के लिए और आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आपके माता पिता के साथ थोड़े से जो कनेक्शन है उनको लेके दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में। अब यहाँ सूर्य केंद्र भाव में स्थित होंगे और यहाँ पर वो शुक्र के साथ भी बोल सकते हैं स्थित होंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र आगे निकल जाएंगे और यहाँ पर जो है 13 अक्टूबर से ही क्योंकि शुक्र बदल जाएंगे तो निश्चित ही यहाँ पर शुक्र जो है आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य केंद्र स्थान में स्थित होंगे 2nd हाउस के स्वामी होकर। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है अब उस वजह से आपको कैरियर में ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन घर परिवार के जो काम हैं उनको लेकर आप थोड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं सूर्य की इस स्थिति की वजह से, और फैमिली पर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं फैमिली को और फैमिली के साथ थोड़े रिलेशंस भी किसी किसी बात को लेकर आपके बिगड़ सकते हैं। सूर्य की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पर, यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने कैरियर में कुछ बेहतर करने को देखेंगे, कैरियर के लिए कोई नई प्लानिंग करेंगे। तो ये समय आपके कैरियर को लेकर कोई यात्रा करने का रह सकता है या घर परिवार के कार्यों को लेकर भी कोई यात्रा करने का रह सकता है। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स बढ़ने के चांसेस या कैरियर में कोई अच्छा प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस बन सकते हैं, या फिर आप नई शुरुआत कर रहे हैं अपने कैरियर की तो उस समय भी आप अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे सूर्य का गोचर मोस्टली आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तीसरे भाव में हो सकता है कि सूर्य आपको उतने अच्छे से सपोर्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन 4th हाउस में आने के बावजूद भी सूर्य यहाँ पर नीच के होने के बावजूद भी आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पर बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपके 3रे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर शुरुआत में आपके 3रे भाव में ही रहेगा जहाँ वो कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ पर कन्या राशि में इनका लगभग 10 अक्टूबर तक का गोचर है। 10 अक्टूबर तक ये समझ लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो खुद की क्षमताएं हैं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी और आपकी कोई भी स्किल जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये रहेगी कि केतु के साथ बुध रहेंगे तो डिसीजन लेते समय आपके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हो सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को लेकर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी। ऐसे में यहाँ पर आपके चार्ट में अगर ऑलरेडी बुध है या आपके चार्ट में अगर बुध बहुत कमजोर स्थिति में है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ सकती है। अब बुध की जो स्थिति यहाँ बन रही है उसकी वजह से आप अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, आप अपने जो आपकी वाणी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, और आपको जैसे आपकी जुबान फिसलना या ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आप वास्तव में जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, या आपका जो गले के बाद में बात आगे नहीं आ पा रही, आपके मुँह से बाहर नहीं निकल रही है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद बुध प्रवेश करेंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में ये तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में इनके आने के बाद आप बेहतर तरीके से अपने पारिवारिक मामलों में अच्छा मैनेजमेंट कर सकेंगे, आपका परिवार से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो। यहाँ बुध की स्थिति ये दिखाती है कि आप बहुत ही वाइजली डिसीजन लेंगे और फैमिली के किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ सकता है। आप इवन अगर फॉरेन से कनेक्टेड हैं या फॉरेन के साथ कनेक्टेड हैं तो आपका अगर कोई बिजनेस ऐसा चल रहा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा भागीदारी कर सकें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध की ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं फॉरेन से अगर इस समय आपका कोई कनेक्शन बनता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो उसको भी आप मिलकर घर वालों से और कहीं ना कहीं सुलझा लेंगे। तो बुध आपको यहाँ से क्योंकि वो दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पर और आपके कार्य क्षेत्र में भी वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और अन्य मामलों में भी आपको घरेलू मामलों में वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स का बहुत ही बड़ा रोल रह जाने वाला है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र 4th लॉर्ड है और शुक्र का गोचर अगर हम देखेंगे तो 13 अक्टूबर तक, क्योंकि वो 4th हाउस में है,
13 अक्टूबर तक शुक्र की ये स्थिति दिखाती है कि आपको घरेलू सुख में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो भी कमी होगी वो किसी न किसी दूसरे प्लेनेट की वजह से होगी, या तो वो बुध का केतु के साथ जो युति बन रही है, सूर्य का केतु के साथ जो युति बन रही है स्टार्टिंग में, उसकी वजह से हो सकती है या किसी भी अन्य वजह से हो सकती है। शुक्र यहाँ पर आपके काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे और लगभग 13 अक्टूबर तक अगर आप कोई भी बहुत ऐसा लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे हैं, कोई और काम करना चाह रहे हैं घर परिवार को लेकर, कोई अपनी जिम्मेदारी को आप वहन करना चाहते हैं, जिम्मेदारी को निपटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुक्र का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब शुक्र क्योंकि 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून और शांति दे सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स भी दे सकता है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पर रहेगी, तो आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में हैं या शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है चाहे प्रोफेशन है, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकेंगे और शुक्र क्योंकि अपने घर में रहेंगे ही। ऐसे में शुक्र की जो स्थिति बन रही है 13 अक्टूबर तक शुक्र की यहाँ स्थिति बनेगी, जबकि यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति बनेगी बाद में वो 17 अक्टूबर से बनेगी, तो यहाँ शुक्र निश्चित ही आगे निकल चुके होंगे तब तक। और यहाँ पे उसके बाद शुक्र प्रवेश करेंगे 5th हाउस में। 5th हाउस का शुक्र निश्चित ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं लग्जरी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करेगा। आपका कोई ना कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है, आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन किसी से बन सकता है जो कि आपको आगे चल के काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। शुक्र यहाँ है तो अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि देखिए शुक्र है वो यहाँ पर फायरी साइन में होने के साथ साथ वो आपके फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने फैमिली से जुड़े हुए कोई ऐसे बड़े फैसले इस समय ले सकेंगे। शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके इनकम को बढ़ाने का यहाँ शुक्र प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसे में आपको अपनी अर्निंग्स पर ध्यान देना चाहिए, अपनी अर्निंग्स को आपको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नई योजना बनानी चाहिए या कोई ना कोई नया प्लान करना चाहिए। शुक्र की यहाँ से जो दृष्टि आपके पड़ रही है, अब यहाँ क्योंकि गुरु वक्री हो जाने की वजह से गुरु का यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रभाव तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपने लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं धन वगैरह कमाने के लिए या अपने स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपको धन और क्रिएटिविटी के मामले में ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें बिल्कुल भी, और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके अवश्य रखें। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके 5वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। जो मंगल की स्थिति बनेगी वो 20 अक्टूबर तक के लिए बनेगी। 20 अक्टूबर के बाद वो आपके लग्न में आ जाएंगे जहां वो नीच की स्थिति में होंगे। तो मंगल का आपके 12वें भाव में होना ये दिखाता है कि अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, फॉरेन में सेटल हो आप, या अपना कोई क्रिएटिव कनेक्शन है, कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है, क्योंकि 5वें का और 12वें का संबंध यहाँ बन रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के चांसेस हैं, बट ये आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके रिलेशंस को बिगाड़ सकता है, जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद दे सकता है, और आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उस एनर्जी का सही इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपका कर्क लग्न है और आप विदेश चले गए हैं, विदेश में आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं या करियर के लिए कोई बहुत बेटर ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल होगा। फिर मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर हम मंगल की दृष्टियों को देखेंगे, 12वें भाव में मिथुन राशि में मंगल है, तो मंगल यहाँ से लगभग आपके 3रे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 3रे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे ऐसे में आप अपने एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस जरूर करना चाहिए और अपने एफर्ट्स की वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि मंगल 5वें के स्वामी होकर जब यहाँ स्थित है मंगल, यानी यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं, स्थित तो वो 12वें में है लेकिन यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं उस वजह से आपको एफर्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी रह सकता है। फिर यहाँ मंगल का जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। 6th हाउस पे ये दृष्टि आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी, क्योंकि एक तो इनका मित्र का घर है, गुरु का घर है, और यहाँ आपकी डेली रूटीन को मैनेज करने में मंगल आपके काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में जो भी बाधाएँ आ रही हैं, कोई कंपटीशन का आप सामना कर रहे हैं, किसी से कोई शत्रुता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, उन मामलों में मंगल आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे। मंगल का यहाँ जो दृष्टि है उस वजह से आपको अपने जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ थोड़े बहुत मतभेद फिर भी देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने से बचना चाहिए अपने वर्क प्लेस पे। फिर इनकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे रहेगी। 7th हाउस में दृष्टि रहेगी वो थोड़ा रिलेशनशिप खराब करेगी, दूसरे लोगों के साथ भी और पार्टनर के साथ भी। ऐसे में यहाँ भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। फिर मंगल लग्न में आ जाएंगे, लग्न में ये काफ़ी ज़्यादा आपको पावर प्रोवाइड करेंगे
और लगन में नीच के होने के बावजूद भी मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने एफर्ट्स काफी तेजी से लगा सकेंगे, आप कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि वो पांचवे का लॉर्ड है। पांचवे का लॉर्ड होने की वजह से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी जो मेंटल स्किल है वो बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में आके कोई बहुत गलत फैसला कर लें और अपनी फैमिली के लिए भी कोई बहुत गलत फैसला कर लें जिससे आपको दिक्कत हो। मंगल टेंथ लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड होने की वजह से इस समय जो भी आप अपने करियर के लिए प्लान करेंगे वो लगभग आपके सक्सेस होंगे। ऐसे में आपने करियर में कोई टारगेट लेके चला हुआ है, आप बहुत कोई ऐसा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको प्राप्त करने में ज़रूर आपको यहाँ मदद मिल सकती है। फिर मंगल के यहाँ से दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पर, फोर्थ हाउस पर पड़ेगी तो ये फैमिली से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगा और फैमिली के साथ थोड़ी बहुत आपको विवाद दे सकता है, कलह दे सकता है, लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना हो, कोई भी गलत फैसला ना हो और आप काफ़ी धैर्य के साथ काम करते रहें। मंगल की दृष्टि सेवंथ हाउस पर पड़ेगी, सेवंथ हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जीवन साथी के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में। जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद भी यहां देखने को मिल सकते हैं। फिर यहां पर मंगल का दृष्टि है आपके आठवें भाव पे, जहां शनि अभी वक्री हैं, ऐसे में आठवें भाव से भी कुछ गेन आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई भी और जासूसी या ऐसा रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मंगल जरूर मदद करने वाले हैं। यहाँ कोई स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आपको इश्यू नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके छठे भाव के स्वामी और नौवें भाव के स्वामी हैं और गुरु का जो है यहाँ पे जो स्थान बना हुआ है आपके ग्यारहवें भाव में वृषभ राशि में, 9 तारीख से ये वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने जा रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी सावधानियाँ रखनी है। यहाँ पर ये बेसिकली आपके लिए कुछ नया प्लान करने का समय है और कुछ प्लानिंग करने का ही समय है, स्टार्टिंग करने का समय अभी नहीं है। तो आप आने वाले समय के लिए, लगभग यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नया प्लान करना चाहते हो अपने अर्निंग्स को लेके, किस तरीके से आप अपने अर्निंग्स को इम्प्रूव करेंगे, किस तरीके से आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे आगे चल के, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। अब क्योंकि जो गुरु हैं वो सिक्स लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड होते हुए आपके ऊपर मान लो बहुत बड़ा कोई कर्जा है, आपको अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे कोई इश्यू आ रहा है या आपको अपना कैरियर में कुछ चेंज लाना है, अपने वर्क प्लेस को बदलना है या कुछ भी अन्य काम करना है, तो इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग कर सकेंगे आप। लेकिन यहाँ वक्री गुरु होने की वजह से आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि अपने स्किल्स को पूर्ण रूप से आप वहाँ इस्तेमाल ना कर सकें। फिर गुरु नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका फॉरेन सेटलमेंट होना है, अगर फॉरेन टूर होना है, कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा होनी है, तो उसको लेके भी आपको थोड़ी ज़्यादा सतर्कता रखनी है और बहुत ही सही आपको डिसीजन लेना है और बहुत सही आपको प्लानिंग करनी है। गुरु की यहाँ से हम अगर दृष्टियों के बारे में बात करेंगे तो वो तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प आपको कम्युनिकेशन में कर सकेंगे, आपको थोड़ा जिज्ञासु बना सकेंगे, आपको थोड़ा ज्ञान ग्रहण करने में मदद कर सकेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ेगी, ऐसे में स्टॉक मार्केट रिलेटेड या किसी भी प्रकार का इनकम सोर्स जिसमें आप काफ़ी तेज़ी से इनकम चाहते हैं, काफ़ी क्विक इनकम चाहते हैं, यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। तो गुरु का जो दृष्टि फिफ्थ हाउस पर है इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ सकता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। यहाँ गुरु का दृष्टि रहेगा सेवंथ हाउस पे, सेवंथ हाउस पे जो इनका दृष्टि है ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस समय आपका मैरिज और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर आप मैरिज वगैरह करने को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और वेट करना चाहिए, और यहाँ पर कोई नए रिलेशनशिप या कोई नई पार्टनरशिप के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ शनि के बारे में। शनि जो कि आपके सातवें भाव के स्वामी हैं, सातवें भाव के स्वामी होकर शनि अभी वक्री स्थिति में आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री स्थिति में शनि कभी भी उतना नुकसान नहीं करते हैं और वो आपके कार्यों को भी स्लो नहीं करेंगे। ऐसे में आपका जो भी फायदे आपको एट्थ हाउस के थ्रू होने हैं, जैसे कोई सडन इनकम होनी है, कोई ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आना है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकता हो, आपको अपने माता पिता से विरासत के रूप में कुछ मिलना है या आपको अपने जो आपके ससुराल पक्ष वाले लोग हैं उनसे अगर कोई फ़ायदा होना हो तो उसमें यहाँ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। अब शनि यहाँ पर सीधा सीधा आपके सेकंड हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो अपने अर्निंग्स को लेके, अपने फैमिली को लेके और आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और फैमिली से रिलेटेड जो भी कार्य है जो आपके अभी तक नहीं बने उनके आपके ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेज हैं।
शनि का यहाँ से दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। 10th हाउस पर यह दृष्टि आपको कैरियर में बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए मदद कर सकेगी। इससे आप अपने कैरियर पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे। तो बेसिकली ये लगभग आपकी पूरी लाइफ को ही एक फ्यूचर के लिए प्लान करके आप अभी से चल सकते हो। और यहाँ बहुत कोई नया आपको स्टार्टिंग फिलहाल नहीं करना है। एक ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को पॉज करना है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है वहाँ भी आपको एक बार बैठ के थोड़ा सा डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। अब जो शनि का यहाँ से लगभग जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है। 5th हाउस पे जो प्रभाव पड़ेगा इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये चुनने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। इससे आप अपने लगभग प्रत्येक कार्य को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो ये हमने यहाँ डिस्कशन किया। और यहाँ पर हम राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़ सकता है अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपको यहाँ कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत फिर भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए आने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है, अच्छे दिनों में आपके लिए 4, 5 फिर 11, 12 और 24 से 28 तक ये दिन बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आप उन कामों को इन दिनों में प्लान अवश्य करिएगा, आपके काम निश्चित रूप से बनेंगे। उसके बाद आपके लिए जो जो खराब दिन रहने वाले हैं उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ध्यान देना पड़ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 9 और 10 को ऐसी स्थिति बन जाएगी गोचर में, इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अगर अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ सकता है। 9 और 10 को आपके डेली रूटीन और आपके जो डेली के जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। और इस समय आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है जो कि आपने अपनी कोई जिम्मेदारी वहन करने के लिए किया हो। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 13 और 14 को ये स्ट्रेसफुल समय रहेगा। इस समय मानसिक रूप से दिक्कत रहेगी, ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है और डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ 13 और 14 को कहीं ना कहीं से सडन कोई इनकम होने के चांसेज हैं। चंद्रमा का गोचर जब 21 से 23 तारीख तक जब मिथुन में होगा, ये समय आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। इस समय कॉन्फिडेंस की कमी होना और आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कमी होना ये संभावित है, तो आपसे कोई बहुत बड़ा गलत फैसला भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन अभी किया, फिलहाल वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।